हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभु पादा प्रभु पादा प्रभु पादा, जय प्रभु पादा प्रभु पादा प्रभु पादा प्रभु पादा, जय प्रभु पादा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस अध्याय में हम श्रीमद् भगवद् गीता अध्याय 8 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन ने जो 7 प्रश्न पूछे थे उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने 2 श्लोक में दे दिए थे, लेकिन जो आखिरी प्रश्न था प्रयाण काले च कथम गियो असी नियतात्म भी, मृत्यु के समय कोई व्यक्ति आपको कैसे स्मरण कर सकता है, तो उस प्रश्न का उत्तर देते समय भगवान ने कहा कि बस कुछ नहीं, अंत काल में मेरा यदि कोई स्मरण करता है तो मुझे प्राप्त करता है। फिर अर्जुन ने सोचा कि यदि कोई अंत काल में स्मरण आपका नहीं कर पाया तो उसकी क्या गति होगी, तो भगवान ने कहा कि यमयम वो आप ये स्मरण भावम, जैसी भावना रखता है वो, जैसी जैसा वो चिंतन करता है उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मई अर्पित मनोबुद्धिर मामेव अस्य संशया, इसमें कोई संशय नहीं, इसलिए तुम हमेशा मेरा चिंतन करो मन और बुद्धि को अर्पित करके। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव सा ये उपदेश है। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इसके लिए अभ्यास करने की आवश्यकता है, एक दिन में संभव नहीं है। तो भगवान का स्मरण करना मृत्यु के क्षणों में जब शरीर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है, मन और बुद्धि भी एक प्रकार से हमारे बस में नहीं, हम बहुत कमजोर हो जाते हैं मानसिक रूप से, तो इस कठिन परिस्थिति में कैसे कोई प्रभु का स्मरण करे। तो भगवान 5वें श्लोक में कहा अंत काले, 6ठे श्लोक में कहा यम यमो आप्य स्मरण भावम, 7वें श्लोक में कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आज 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिन्तयान् पार्थ अनुचिन्तयान् अभ्यास योग युक्तेन अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तया याति पार्थनुचिन्तया। भगवान ने कहा अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग, संसार में लोग भौतिक कार्यों में अभ्यास तो करते ही हैं। अभ्यास का अर्थ है किसी भी कार्य के बारंबार पुनरावृत्ति, दोहराना, लेकिन भगवान यहां कहते हैं अभ्यास योग का अनुशीलन करना है। योग यानी भगवान से जुड़ने का कि जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसे योग कहते हैं। साधारणतया हमारा मन संसार में लगा होता है, तो मन को संसार से हटाकर भगवान में लगाना, जहां जहां मन जाता है वहां वहां से मन को हटाना और भगवान में लगाना, ऐसे हटाना और लगाना, हटाना और लगाना, इसे कहते हैं अभ्यास योग।
क्योंकि मन बहुत ही हठीला है, मन दुराग्रही है, चंचल तो है ही। तो ऐसे हठीले और दुराग्रही मन को बिना अभ्यास के हम बस में नहीं कर सकते हैं। प्रभु का स्मरण अंत काल में हम नहीं कर पाएंगे यदि अभ्यास नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी ने पूरे वर्ष अध्ययन नहीं किया है तो अधिक संभावना यही है कि वो परीक्षा में फेल हो जाएगा। उसी प्रकार यदि किसी ने पूरे जीवन अभ्यास योग नहीं किया है भगवान का, प्रभु का स्मरण करने का, तो अंत काल में वो स्मरण नहीं कर पाएगा। तो अभ्यास योग युक्ते न चेतसा न अन्य गामिना, चेतना हमारा जो मन है अन्य गामिना भी है, तो उसे हमें अन्य गामी नहीं करना। चेतना को हमें अन्य विषयों से हटाकर प्रभु के स्मरण में लगाना है। तो परमम पुरुषम दिव्यम, जो भगवान परमम पुरुषम दिव्यम याति, याति यानी प्राप्त करता है। लेकिन कैसे प्राप्त करता है? हे प्रथापुत्र, यहां भगवान ने अर्जुन को पार्थ करके संबोधित किया है। पार्थ अनुचिंतयान, हमने इसकी व्याख्या की थी, अनुस्मरण पिछले श्लोक में आया था, माम अनुस्मर, यहां भी समान अर्थी शब्द है। अनुचिंतयन, चिंतन करना है, पर कैसे? निरंतर चिंतन करना है, चिंतन के पीछे चिंतन, चिंतन के पीछे चिंतन। पर अभी हमारा चिंतन किसका है? संसार का। तो जब हम यह अभ्यास के द्वारा भगवान का चिंतन प्रारंभ करते हैं और एक ऐसी हमारी मानसिकता बन जाती है कि हम 24 घंटे कृष्ण भावना में रहते हैं, भगवत चिंतन में रहते हैं, तो यदि हमने शरीर छोड़ा तो हमारा भगवान भगवत धाम जाना निश्चित है। लेकिन ये अनुचिंतन करने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। ऐसी बातें भगवान ने कई श्लोकों में, जैसे 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहा, तेसाम सतत युक्ताना भजताम प्रतिपूर्वकम, सतत युक्त रहने के लिए भगवान ने वहां भी हमें सलाह दी है। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा, अनन्य चेता सततम जो माम स्मरती नित्य सह तस्या हम सुलभ पार्थ। भगवान ने कहा जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य चेता सततम, सतत निरंतर, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है, मन एव मई एव मन आधत्स्व, मई एव मुझ में मन को तुम लगाओ, मई एव मन आधत्स्व मई बुद्धिम निवेशया, मन और बुद्धि को मुझ में निवेश करो। अभी हम निवेश कहाँ करते हैं? संसार में, संसार में इन्वेस्ट करते हैं, तो संसार का ही चिंतन होगा मृत्यु के समय। जैसे मानो आपने किसी तोते को ऐसे सिखा दिया, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, तो क्या जब उसका गला बिल्ली पकड़ेगी तो क्या गुड मॉर्निंग बोलेगा? वो टेंटे ही करेगा। वैसे ही आपने किसी को राम राम सिखा दिया, लेकिन उसका मन यदि राम राम में नहीं लगा तो आखिरी समय में वो राम का स्मरण या कृष्ण का स्मरण नहीं कर पाएगा। वो तो तभी कर पाएगा जब उसकी आसक्ति होगी, यानी जिन वस्तुओं में हमारी प्रियता होती है उसके प्रति स्वाभाविक आकर्षण होता है, लगाव होता है। तो भगवान इसके आगे के श्लोक में कहते हैं कि जो भगवान परम है, पुरुषम है, दिव्यम है, जब तक हम उनके गुणों को नहीं जानेंगे तो हम उनका चिंतन हमेशा नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने आगे के श्लोक में कहा, कवि पुराणम अनुशासितारम अणोर अणियां समनुस्मरिद्या सर्वस्य धातारम चिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात। यहां पर भगवान के 8 गुणों का वर्णन किया गया है इस श्लोक में। क्योंकि जब हम किसी के गुणों का श्रवण करते हैं तो हम उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। अब यदि कोई कहे कि आप निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, ये तो लंबे समय तक ध्यान नहीं कर सकता कोई। लेकिन भगवान सगुण साकार दिव्य गुणों से युक्त, ऐसे भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न करना बिल्कुल आसान है। यहां पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, यह जो जप और श्रवण कीर्तन की जो विधि है यह ध्यान की सर्वोत्तम विधि है। यह खुले आंख से व्यक्ति भगवान का निरंतर ध्यान कर सकता है। लेकिन जो लोग बंद आंखों से भगवान के ध्यान का अभ्यास करते हैं वे कठिनाई अनुभव करते हैं, क्योंकि उनके मार्ग में काफी कठिनाइयां आती हैं।
तो भगवान का यह पहले गुण है कबिम, कबिम यानी कि जैसे हम सामान्य अर्थ समझते हैं कवि यानी कि पोएट, पर यहां पर कवि का अर्थ है सर्वज्ञ, भगवान सर्वज्ञ है। पुराणम, पुराणम यानी कि भगवान पुरातन है, अनादि है, भगवान सृष्टि के पहले से है। अहम सर्वस्व प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, भगवान से ही सब कुछ उद्भूत हुआ है, भौतिक और आध्यात्मिक जो भी दिखाई दे रहा है हमें सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है। तो भगवान के इस गुण को कहते हैं पुराणम। नेक्स्ट है अनुशासितारम। अनुशासितारम का आशय है अनुशासन यानी कि नियंत्रण में, यानी भौतिक प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति या कोई भी, ये सब भगवान के अनुशासन में है, भगवान के नियंत्रण में है। चौथा गुण है अणोर अणियांश। भगवान सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है। इसका क्या आशय है? भगवान, अब देखो परमाणु कितना सूक्ष्म है, उस परमाणु के भीतर भी भगवान है, तो परमाणु से छोटे सूक्ष्म हुए ना। भगवान आत्मा के भीतर भी हैं, परमात्मा के साथ में है। तो अणोर अणियांश, फिर ऐसे अनुस्मृत्य, फिर ऐसे भगवान का आपको स्मरण करना है भगवान के इन गुणों को जानकर। और चार गुण हैं सर्वस्य धातार। सर्वस्य यानी सभी जीव, धातार का अर्थ है पालन करता, पोषण करता। अचिंत्य रूपम, भगवान का जो स्वरूप है वो अचिंत्य है। अचिंत्य क्या क्या अर्थ है? जिसे हम अपने इस भौतिक बुद्धि के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं, हमारे इंद्रिया अतीत, हमारे चिंता से परे, अकल्पनीय। जरूर भगवान देखो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन भगवान दिखाई नहीं देते। तो भगवान के अचिंत्य गुण है, अचिंत्य स्वरूप है। आदित्य वर्णम, भगवान का जो वर्ण है वो आदित्य यानी कि सूर्य के समान भगवान प्रकाशमान है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, भगवान तमसः परस्तात यानी अंधकार से परे, यानी अज्ञानता से परे हैं। कौन? परम पुरुष। तो जो आठवें श्लोक में भगवान ने कहा था कि उस परम पुरुष दिव्य पुरुष का तुम अनुचिंतन, तुम हमेशा चिंतन कर, तो वो भगवान खुद बता रहे हैं अपने बारे में कि उनके कौन कौन से गुण हैं, ताकि हम गुणों के प्रति ऐसे आकृष्ट होकर स्मरण करना सरल हो जाए। तो मनुष्य को चाहिए कि उस परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। भगवान वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य स्वरूप हैं। तो कोई व्यक्ति इस प्रकार अभ्यास प्रारंभ करता है, अभ्यास योग युक्तेना चेतसा न अन्य गामिना। अन्य गामिना यानी कि अन्य जगह जाती है चेतना, हमारा मन भागता है, लेकिन हमें उस मन को ऐसे पकड़ के लाना है। भगवान ने छठे अध्याय में कहा था यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमेत आत्मन्यम वसम नयेत। वहां वहां से मन को पकड़ के लाओ, और मन को पकड़ के कहां लाओ? भगवान के चरण कमलों में लाओ। तो ऐसे बारंबार अभ्यास करने से, संसार से हटाने से, भगवान में लगाने से, भगवान के गुणों का चिंतन करने से, स्वाभाविक रूप से ही भगवान हमारे मन में छा जाते हैं। और इस प्रकार की चेतना में यदि कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो निश्चित रूप से भगवत धाम को प्राप्त करता है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि प्रयाण काले, प्रयाण काल जैसा प्रश्न पूछा था मृत्यु के समय, मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योग बले न चैवा, क्योंकि बिना योग बल के आप भगवान का स्मरण नहीं कर सकते प्रयाण काल के समय। प्रयाण काले मनसा चलेना, कि मन हमारा सब स्वाभाविक रूप से बहुत चंचल है, यहां है अचल मन। अचल मन यानी कि निश्चल दृढ़ मन से आपको क्या करना है? भक्तिया युक्तो, भक्ति में युक्त होना है, योग बले न चाहिवा, योग बल के साथ। सबके पास कोई ना कोई बल होता है, यहां पर योग बल क्या है? अभ्यास का बल है। मानो कई महीनों से, कई वर्षों से उसने अभ्यास किया है संसार से हटाने का, भगवान में लगाने का, तो बल है। जैसे जिस विद्यार्थी ने पूरे साल पढ़ाई की है तो वो एग्जाम से भयभीत नहीं होता, उसके पास एक बल है, एक कॉन्फिडेंस है।
लेकिन सामान्य लोग जिन्होंने कोई भगवान का स्मरण नहीं किया वो मृत्यु के समय कांप जाते हैं, मृत्यु का नाम सुनकर बिस्तर पर वो मलमूत्र का त्याग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि कोई तैयारी नहीं है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से योग बले न चाहिए वह भ्रूर मध्य, दोनों जो भवें हैं उसके बीच में अज्ञा चक्र है, तो भ्रूर मध्य प्राणम अवश्य सम्यक। यहां पर भगवान भक्ति योग के साथ साथ अभी योग जो अष्टांगिक योग है उसका भी, यानी योग मिश्र भक्ति का थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं है। यानी कोई व्यक्ति भक्ति भी करता है लेकिन साथ साथ उसका मन आकृष्ट है ऐसे अष्टांग योग की ओर, जिसमें जो शरीर में 6 चक्र होते हैं, नीचे मूलाधार चक्र से लेकर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, अज्ञा चक्र, सहस्त्रार। तो कुछ लोगों की ऐसी रुचि होती है कि नहीं, हम ध्यान करेंगे, हम प्राणायाम करेंगे, हम अपनी प्राण वायु को ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी से लेकर जाएंगे, सहस्त्रार तक जाएंगे। तो भगवान उनके लिए कह रहे हैं कि ऐसे योगी को चाहिए कि वो अपने प्राण वायु को ऊपर उठाए और दोनों भावों के बीच अज्ञा चक्र पे केंद्रीभूत करे, मनसा चले ना, बिल्कुल मन को अचल बनाकर। तो फिर यदि इस भावना में भी मेरा स्मरण करता है तो सतम परम पुरुषम, वह व्यक्ति पुरुषम उपैति दिव्यम, तो जो दिव्य पुरुष है, जो भगवान का धाम है, उन्हें वह भी प्राप्त करता है। तो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति को अभ्यास की आवश्यकता है। बिना अभ्यास के कोई व्यक्ति मृत्यु के क्षणों में अंतकाल में प्रभु का स्मरण नहीं कर सकता। अंत मति सो गति, तो अंत में यदि हम चाहते हैं इस संसार के जन्म मृत्यु चक्र से मुक्त होकर भगवान के साम्राज्य में प्रवेश करें तो हमें अभी से अभ्यास करना होगा। और इस कलयुग में भक्ति योग सबसे सरल है और सहज है। हमें भगवान को स्वीकार करना है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान नाम का जप और कीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सील प्रभुपाद की जय।